हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सुंदर सी स्वेटर डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। इसको आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बेबी स्वेटर, लेडी स्वेटर, जीन स्वेटर किसी में भी इसे डाल सकते हैं, मफलर में, टोपी में। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत इजी डिजाइन है। मैंने ये कुछ फंदे डाले हुए हैं। अब मैं इसको बताऊँगी कि किस तरीके से इसमें डिजाइन डाली है। मैंने पट्टी बना रखी है नीचे से, अब इसके ऊपर डिजाइन बनाऊँगी। पहले हम पूरी सिलाई को इस तरीके से सीधे सीधे बिन लेंगे, इस तरीके से सीधे। और फंदे कितने लेने हैं ये बता दूंगी। 2 फंदे आगे से और 4 फंदे पीछे से, ये एक्स्ट्रा लेने हैं। और 11 के मल्टीपल फंदों से ये डिजाइन बनेगी। 11 के मल्टीपल फंदे और 4 फंदे प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे। 2 फंदे आगे से होंगे, 4 फंदे पीछे से होंगे। और आपके पूरी सिलाई को इस तरीके से हम सीधा सीधा बिन लेंगे। बहुत ही इजी है ये। 4 रो की डिजाइन होती है। 4 रो हमें रिपीट करते हुए जाना होता है। टाइटल को देख के आप डिजाइन समझ ही गए होंगे किस तरीके से ये डिजाइन है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई को सीधी सीधी बिन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। हमने फर्स्ट रो बुन लिया है। अब मैं सेकंड रो में आ गई। सेकंड रो में हमें उल्टा उल्टा बिनते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरीके से उल्टा हुआ बिनते हुए पूरी सिलाई निकाल लेनी है। सेकंड रो बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। अब हम ये सेकेंड रो भी हमारी उल्टी उल्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में हमें किस तरीके से बिनना है ध्यान से देखना। पहला फंदा इस तरीके 1 2 2 फंदे सीधे निकालने के बाद फिर जाके 1 2 3 3 फंदे सीधे। पहले 2 फंदे सीधे निकाले, फिर 3 फंदे सीधे निकाले, मतलब कि 5 फंदे सीधे निकालने के बाद पहले में 5 फंदे सीधे निकाले, फिर जाके ये फंदा सीधा बिना बिने निकाला, फिर ये फंदा बिना, फिर ये बिना बिने निकाला, इसे बिना, 2 फंदे बिना बिने निकाल दिए, फिर 3 फंदा, फिर इसे बिना, फिर 4 फंदा। 4 फंदे बिना बिने निकालने हैं इस तरीके से। ये मेरे 7 फंदे होंगे। देखिए, ये 2 फंदों को छोड़ के 1 2 3 3 फंदे सीधे और 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 फंदों की ये डिजाइन है। फिर रिपीट वही होगा कि 1 2 3। देखिए, 3 फंदे सीधे बिन लिए हैं। फिर ये देखिए, एक फंदा बिना बिने इस तरीके से निकाल लिया है। फिर एक फंदा बिनेंगे, फिर एक फंदा बिना बिने निकालेंगे, एक फंदा बिनेंगे, एक फंदा बिना बिने, एक फंदा बिनेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4। ये देखिए, एक फंदा बिना बिने निकाले। अब ये कंप्लीट हो गया मेरा 7 रो। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हर उसमें 7 रो को इसी तरीके से करना है। एक निकालना है, एक बिना बिने निकालना है और एक बिनना है। एक निकालना है, एक बिनना है, और ये धागा पीछे ही रहेगा। फिर देखिए, मेरे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं थर्ड पैटर्न पे आ गई। 1 1 2 3, 3 फंदे बिन के निकाले, फिर एक फंदा बिना बिने, फिर एक फंदा बिनना है, फिर एक फंदा बिना बिने, फिर एक फंदा बिनना है, फिर एक फंदा बिना बिने, फिर एक फंदा बिनना है, फिर एक फंदा बिना बिने। 4 फंदे बिना बिने निकालने हैं
और लास्ट में 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4। इस बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट में 5 फंदे सीधे हैं तो यहाँ लास्ट में 4 फंदे सीधे हैं, इस तरीके से ये पैटर्न है, और बीच में 11 11 के फंदे हैं। देखिए एक बार बता देती हूँ गिन के आपको, ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे करने के बाद 1 2 3, इसमें ये देखिए 2 फंदे ये लिए मैंने एक्स्ट्रा, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे 11 फंदे इस तरीके से लेने हैं, और इस तरीके से बैक साइड पे आ गई हूँ। बैक साइड से मैं देखिए पहला फंदा इस तरीके से निकाल लूँगी, धागा पीछे करूँगी, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बिनूँगी, धागा आगे करूँगी, जो बिना बिने निकाला था उसे बिनूँगी इस तरीके से, फिर धागा, फिर ये फंदा बिनूँगी और धागा आगे को रहेगा, फिर आगे पीछे करूँगी धागा, बिना बिने को निकालूँगी, धागा पीछे करूँगी इस तरीके से। देखिए जो बिना बिने हैं उसको बैक साइड से भी बिना बिने निकालना है, और जो बिना हुआ है उसको सीधे बैक साइड से भी सीधा बिनना है इस तरीके से। और अब ये 1 2 3 फंदे सीधे बिन दिए, फिर धागा आगे किया, ये निकाला, फिर धागा पीछे किया, ये इस तरीके से 4 फंदे बिना बिने होंगे एक पैटर्न में। जो बिना है उसको बिनना है धागा पीछे करके, सीधा सीधा बिनना है बैक साइड से भी 4 रो। इस तरीके से हमारी 4 रो भी बैक साइड से कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये 4 5 फंदे बिना बिने बिने निकालना है, सीधे सीधे बिनना है इनको, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये डिजाइन आती है, बहुत ही प्यारी और सुंदर डिजाइन लगती है। एंड आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।